कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, आज के इस चुनाव नतीजे का विश्लेषण आपकी नजर में क्या है, पहला? और दूसरा, क्या 370 की बहस अब खत्म हो जाएगी? क्या नॉर्मेलसी की तरफ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ कश्मीर लौटेगा वापस? जी रोहित जी, एक तो विश्लेषण अगर देखा जाए कि जम्मू और कश्मीर में 140 सीटें डीडीसी की जम्मू में थी और 140 कश्मीर वादी में थी, वहां पर जो है आपको जो नतीजे दिख रहे हैं वो सारा गुपकार अलायंस काफी आगे जा रहा है। जहां तक कश्मीर के बाद जम्मू की बात है, गुपकार अलायंस प्लस कांग्रेस जम्मू में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अभी जो लेटेस्ट डाटा मैं अभी मैंने कलेक्ट किया सारा, जम्मू सांबा कठुआ और उधमपुर में ये 56 सीटें यहाँ पर हैं डीडीसी की, उसमें से 44 सीटें जो बीजेपी के पास अभी लीड ले रही है या जीत गए हैं। जो 6 जिले और हैं जो कि जम्मू में हैं, वहां पर जो है 84 सीटें हैं, जब अभी तक वहां पर बीजेपी के पास 14 सीटें आई है। यानी कि ये 6 जो जिले हैं वहां पर कांग्रेस और एनसी ने आगे काफी मार किए है। जैसे डोडा में, किश्तवाड़, पूंछ, रामबन, रियासी में कांग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और जम्मू में उधमपुर और सांबा में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई है, वो एक उनके लिए भी सोचने की बात है। और बीजेपी को देखना है शाम तक कि ये 6 जिले जो है वहां पर उनका वोट बैंक क्यों कम हो रहा है, क्यों सीटें कम आ रही है। लास्ट मोमेंट तो रात को होगा कि कितनी सीटें आई है। अभी तक जो है 84 में से 14 सीटें बीजेपी के पास है जो लीड कर रही है, जीत गई है। अश्विनी जी, निर्दलियों को लेकर बहुत लोग कह रहे हैं कि वो भी बीजेपी के ही हैं, बहुत सारे। कितने ऐसे जो बीजेपी के हैं लेकिन निर्दलीय? इंडिपेंडेंट जम्मू में भी है और हर जिले में दो तीन है, और पीडीपी को जम्मू इलाके में बड़ा कम वोट बैंक मिला और 2 या 3 सीटें उन्होंने अभी तक लीड की है या जीती है। बाकी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छा किया है, कांग्रेस का पहले भी बेस था, उन्होंने बिना कोई पब्लिसिटी के, बिना कोई ऐसे स्टार कंपेयर के, बिना ही वो सीटें ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर ही डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, रामबन, इस इलाके में गुलाम नबी आजाद का दबदबा है, वो क्योंकि वहां के रहने वाले, हालांकि वो अपने आप नहीं आए हैं मगर वो ट्रांसफर हुए है गुलाम नबी आजाद के नाम पर, चाहे उनके आदमी खड़े थे या कांग्रेस के थे, वो उन्होंने किया है। ठीक है, और इन जनरल आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कौन किसके साथ जाता है। पिछले साल पहली दफा असेंबली में तो पीडीपी और बीजेपी मिल गई थी, जो इंडिकेशन अभी भी आ सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी वाले भी जुड़ सकते हैं। कल का जो चोडरा में फारूक अब्दुल्ला का लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और संतोष गंगवार जी के साथ खड़े होना जी, वहां पर उनसे वो जो इंश्योरेंस की बिल्डिंग थी वहां पर उसके इनॉग्रेशन करना एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये पहली दफा कल देखा हमने कि ये 3 बड़े नेता इकट्ठे हुए हैं। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है अश्विनी जी। और दूसरी बड़ी बात यह कि एक संभावना जो पिछली हो चुकी है उसका आपने जिक्र कर दिया, क्या आगे फिर ऐसी संभावनाएं होंगी? क्योंकि संबित पात्रा कह रहे हैं हारे कोई जीते कोई, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए और इस चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि लोकतंत्र जीत रहा है। इफ्तिखार साहब, खुश तो होंगे आज आप कि नहीं? नहीं, बिल्कुल खुश तो है कि रिजल्ट अच्छे आ गए, लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, लेकिन ये कहना समित जी का कि आज डेमोक्रेसी का नुमाइश हुआ है, क्या 1947 से आज तक डेमोक्रेसी की नुमाइश नहीं हुई? क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं चल रही थी? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान का अपने आप को हिस्सा नहीं माना था? अगर सवालिया मार्क इस चीज पे है कि खाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है और वही नेशनलिस्ट है के, और या वही लोग डेमोक्रेसी का बोलबाला जानते हैं, तो फिर मैं खुश नहीं हूँ। पर ये बात तो पीडीपी वाले भाई साहब ने भी कही, उनकी बात से एतराज नहीं हुआ आपको? उन्होंने भी तो यही कहा कि विचारों की लड़ाई हो सकती है लेकिन ये डेमोक्रेसी की जीत है जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। डेमोक्रेसी की जीत है, अगर ये आज पहली बार नहीं हुई है जी, देखिए 2002 में यहाँ पे इलेक्शंस हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी उसमें की, लेकिन आज की डेट में जो ये हिस्सेदारी लोगों की आई है, दिल्ली की सरकार के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। 2002 के बाद क्या हुआ वैसा नहीं होना चाहिए, 2004 इलेक्शन के बाद क्या हुआ वैसा नहीं होना चाहिए,
इसमें बहुत सारे दिल्ली को सीरियसली लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर और दोनों सूरतों में देखना चाहिए। देखिए जहां तक सेंटिमेंट्स और इमोशंस की बात है, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको क्या लगता है केंद्र की सरकार कश्मीर को सीरियसली नहीं लेती है। देखिए ये दिल पे लेने वाली बात है भी और नहीं भी है। जो हमारा एक ही नेशनल हाईवे है वो पिछले 4 साल से इतनी बदतरीन हालत में है, बीजेपी सरकार ने उसका आज तक कोई प्रावधान नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे हमें एम्स का एम्स दे दिए और कुछ यूनिवर्सिटीज दे दिए, आज तक उनकी उनका वो डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा, सुमित जी उसका खुलासा करेंगे। इफ्तिखार साहब मैं आपको बधाई देता हूं आज एक तो सबसे पहले इस बात के लिए कि अब आप 370 से हटके इस बात पे आ रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कब बनेगा, इस बात पे आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को वो एम्स को कब मिलेगा जो देश के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि अब 22 एम्स हो गए। संबित पात्रा, इसी को लोकतंत्र की जीत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पहली चीज ये बोल लीजिए, फिर संगीत रागी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। देखिए पहली बात तो है, यहां मेरे से अधिक जानकार, एक सेकंड मैं बोल लूं जरा, मुझे बोलने बोला गया है, यहां इफ्तिखार जी मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप इनसे जरा पूछिए जम्मू कश्मीर के राजनीति के बारे में। 1987 का जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे वो वॉटरशेड मूवमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स क्यों कही जाती है उसे, क्योंकि किस प्रकार की रिगिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने उस इलेक्शन में किया था, उसके बाद इंसर्जेंसी में भी बढ़ावा हुआ, बाद में गवर्नर रूल लगा, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी लाइमलाइट में, पिक्चर में भी नहीं थी, आप लोगों ने क्या किया है उस समय आप ही बताइए। ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जीत पहली भी हुई थी, पहली बात तो है रोहित सरदाना जी का ओपनिंग स्टेटमेंट देखिए, ये जो पंचायती राज का 3-tier सिस्टम था उसमें ये टायर आपने ऐड ही नहीं किया हुआ था, पंचायती राज एक्ट में बदलाव लाकर, संशोधन या अमेंडमेंट लाकर ये टायर ऐड किया गया है, और पहली बार आफ्टर 72 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस पहली बार डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है तो और क्या है भाई साहब? हर बार इतना लंबा चेहरा बनाकर इतने गुस्से में बैठने से नहीं होता है। मैं आज बार बार कह रहा हूं, जीत किसी की भी हो, हार किसी की भी हो, आपको लोकतंत्र का लोहा तो हिंदुस्तान में मानना पड़ेगा।